नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं ममता तिवारी। शुरुआत करते हैं स्पेशल रिपोर्ट की। ईरान और इसराइल के बीच तनाव बढ़ता जा रहा है और इसराइल ने ईरान के भीतर हमला करने के लिए फैसला ले लिया है और इस बार दुनिया भर के मुल्कों को समर्थन हासिल करने के लिए इसराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू लगातार बात कर रहे हैं। तो वहीं इसराइल में एयर डिफेंस सिस्टम को और ज्यादा काबिल बनाने की कोशिश पर काम हो रहा है। दूसरी तरफ ईरान के राष्ट्रपति ने एक बार फिर धमकी दी है कि जरा सी हरकत पर उनका मुल्क इसराइल पर कहर बरपा देगा। इसराइल की वॉर कैबिनेट में फैसला हो चुका है। नेतन्याहू ने ऐलान कर दिया है, इसराइल की सेना ने पूरी तैयारी कर ली है। ईरान के हमले का जवाब देने के लिए इसराइल ने टारगेट भी तय कर लिए हैं और ये टारगेट ईरान के भीतर है। लेकिन अभी नेतन्याहू ने रेड बटन नहीं दबाया है और इसकी सिर्फ एक वजह है। वॉर कैबिनेट में इसराइल की सेना ने तय किया था कि ईरान पर हमला होगा, लेकिन अमेरिका को अपने साथ करने के बाद जाहिर है जंग की सूरत बन रही है। लेकिन ईरान पर इसराइल के हमले में वक्त लगेगा, क्योंकि ये नेतन्याहू भी जानते हैं कि उनके मुल्क पर ईरान ने सीधा अटैक किया है और उन्हें भी ईरान को सबक सिखाने के लिए सीधा और उसे ज्यादा बड़ा अटैक करना होगा। लेकिन इससे दोनों मुल्कों में जंग के हालात बन जाएंगे और ऐसे मौके पर इसराइल को दुनिया भर से समर्थन की जरूरत पड़ेगी। नेतन्याहू इसी को पक्का कर लेना चाहते हैं। ईरान पर हमले से पहले इसराइल का प्लान। इसराइल में शुरू हुई महायुद्ध की तैयारी। नेतन्याहू ने मांगा दोस्तों से पक्का साथ। जिस तरह के हालात हैं और जिस तरह की तैयारी है, वो इशारा कर रहे हैं कि पश्चिम एशिया में आग लगने वाली है, खाड़ी में खलबली मचने वाली है, महायुद्ध का आगाज होने वाला है। यही वजह है कि नेतन्याहू दुनिया भर के नेताओं से बात कर रहे हैं और उन्हें अपने साथ लाने की कोशिश में जुटे हैं। אני בא עכשיו מפגישות עם שרי החוץ של בריטניה וגרמניה. אמש שוחחתי עם ראש ממשלת בריטניה רישי סונאק. בקרוב אני גם משוחח עם מנהיגים נוספים. אני מודה לידידינו על תמיכתם בהגנת ישראל, ואני אומר את זה גם תמיכה במילים וגם תמיכה במעשים. אגר ישראל נה איראן פר חמלה כה פסלה ליה ה, תו איראן בי מהיודד כי תיארי מצ'וטה ה. ईरान ने बुधवार को अपनी सेना की सालाना परेड आयोजित की और अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया, लेकिन इस बार की परेड हर बार से अलग थी। हर बार ये परेड तेहरान के एक हाईवे पर निकलती थी, लेकिन इस बार जगह बदल दी गई और तेहरान के उत्तर में एक बैरक में परेड आयोजित की गई। खास बात ये कि इस बारे में कोई सफाई नहीं दी गई और ना ही परेड का सीधा प्रसारण सरकारी मीडिया पर किया गया, जैसा कि हर साल किया जाता था। ऐसे में आशंका जताई जा रही है कि ईरान को इसराइल से हमले का डर था। ईरान को डर था कि परेड पर हमला हो सकता है। ईरान को डर था कि रईसी पर हमला हो सकता है। सालाना परेड की जगह इसलिए बदली गई। हर बार की तरह परेड का सीधा प्रसारण नहीं हुआ। हालांकि इस परेड को संबोधित करते हुए ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी ने इसराइल को एक बार फिर वही धमकी दी जो उनके जनरल से लेकर उनके मुल्क के सुप्रीम लीडर तक पहले ही दे चुके हैं, लेकिन इस बार उन्होंने ये जरूर जोड़ दिया कि जरा सी हरकत का बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना होगा। اگر کوچکترین تعرضی از ناحیه رژیم صهیونیستی به خاک وطن ما صورت بگیرد و به منافع جمهوری اسلامی ایران
یقین بدانند برخوردی بسیار شدید و سهمگین با آنها خواهد شد. ईरान और इसराइल में फिलहाल बातों में युद्ध हो रहा है, लेकिन साथ ही असल युद्ध की तैयारी भी चल रही है। ईरान मुस्लिम मुल्कों को एकजुट करने में जुटा है और साथ में रूस से समर्थन भी हासिल कर चुका है, तो वहीं इसराइल भी अपने दोस्तों को अपने हक में एकजुट करने की कोशिश में लगा है। ईरान के राष्ट्रपति जब अपनी सेना को संबोधित करते हुए इसराइल को धमकी देते हैं, तो साथ में वो उन मुल्कों को भी धमकी दे रहे हैं जो इसराइल के साथ खड़े हैं या खड़े होने की सोच रहे हैं। وعده صادق اقدامی محدود بود، نه اقدامی فراگیر و گسترده. اگر قرار بود اقدامی فراگیر و گسترده باشد، اون وقت می دیدند حامیان رژیم صهیونیستی که چیزی از رژیم صهیونیستی باقی نمی ماند. पिछले साल इसराइल और हमास के साथ शुरू हुए युद्ध के बाद ईरान और इसराइल के बीच तनाव काफी बढ़ गया था। अप्रैल महीने में दोनों ने एक दूसरे के ठिकानों को निशाना बनाया, जिसमें इसराइल पर किए गए हमलों को नाकाम करने में अमेरिका और ब्रिटेन ने इसराइल की मदद की। लेकिन जब इसराइल उस हमले का जवाब देना चाहता था तो अमेरिका ने रोक दिया। यही वजह है कि नेतन्याहू हमला करने से पहले समर्थन तो लेना चाहते हैं, लेकिन वो अब साफ कह रहे हैं कि भले ही दुनिया को कोई भी सुझाव दे, आखिरी फैसला इजराइल ही लेगा। יש להם גם כל מיני הצעות ועצות, אני מעריך את זה, אבל אני רוצה להבין שאת ההחלטות שלנו אנחנו נקבל בעצמנו, ומדינת ישראל תעשה כל מה שצריך כדי להגן על עצמה. इजराइल की सेना पहले से ही युद्ध के मोड में है। इजराइल अलग अलग मोर्चों पर युद्ध लड़ रहा है, गाजा में हमास के साथ, लेबनान में हिजबुल्ला के साथ, यमन में हूतियों के साथ। ऐसे में इजराइल की सेना पहले से ही अलर्ट मोड पर है और कभी भी ईरान पर हमले के लिए भी तैयार है। लेकिन इजराइल की सेना को भी पता है कि हमला एक तरफा तो नहीं होगा, ईरान भी जवाब दे सकता है और इसके लिए इसराइल की सुरक्षा व्यवस्था भी दुरुस्त होनी चाहिए। लिहाजा इसराइल की सेना मौजूदा वक्त में अपने एयर डिफेंस सिस्टम को और भी ज्यादा काबिल बनाने में जुटी है। We allow ourselves not for a long time to be satisfied from what we see, and we are preparing ourselves for the next time, debriefing the mission and seeing how could we prepare ourselves for the next attack if it would come. इतना ही नहीं, इसराइल ने जर्मनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट भी साइन किया है, जिसके तहत अमेरिका, जर्मनी और इसराइल मिलकर यूरोप को भी बैलिस्टिक मिसाइल से सुरक्षा देने के लिए इसराइल के एरो 3 एयर डिफेंस सिस्टम की तैनाती कर रहे हैं। यानी ईरान से निपटने के लिए इसराइल से लेकर यूरोप तक काम हो रहा है। एक बार इसराइल अपने और अपने नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित कर लेता है तो उसके बाद वो ईरान पर बड़ा हमला बोल सकता है। अगर ड्रोन हमले में हिजबुल्ला इसराइल के 14 सैनिकों को घायल करने में कामयाब रहा, तो उसका मतलब यह है कि इसराइल का एयर डिफेंस सिस्टम इस हमले को रोक पाने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था। ईरान के हमले से भी हिजबुल्ला का आत्मविश्वास बढ़ गया है और नेतन्याहू की भी वॉर कैबिनेट के अंदर ईरान से बदला लेने की कस्में खा रही है। बिल्कुल साफ है कि ईरान इसराइल युद्ध टलता हुआ नजर नहीं आ रहा। इसराइल की तरफ से 100% कंफर्म हो गया है कि वो ईरान पर हमला करेगा। इसराइल ने अपने मित्र देश के विदेश मंत्रियों को बता दिया है कि ईरान पर पलटवार भयानक होगा और ईरान को सबक सिखाने के लिए सभी मित्र देशों को इकट्ठा होना होगा। पश्चिम एशिया की युद्ध पहेली अब धीरे धीरे खुल रही है। एक तरफ ईरान के युद्धपोत इसराइल की जमीन के आसपास समंदर के किनारों पर चक्कर लगा रहे हैं और दूसरी तरफ ईरान अब 10 गुना तेज हमले करने की धमकी दे रहा है। किसी भी वक्त इसराइल और ईरान का बेहद खतरनाक युद्ध छिड़ने वाला है।
दूसरी तरफ इसराइल पर तीन तरफ से हुए 180 डिग्री हमले के बावजूद भी गजा पट्टी पर इसराइल का कहर इतनी खतरनाक तरीके से टूट रहा है कि इसराइल ने सिर्फ एक गोले में 5,000 लोगों को मार डाला है। ये हमला गजा सिटी के अलबस्मा आईवीएफ सेंटर यानी इन विट्रो फर्टिलाइजेशन सेंटर पर हुआ, जहां पर हजारों की संख्या में मानव भ्रूण रखे हुए थे। सबसे पहले हम ब्रिटेन के विदेश मंत्री डेविड कैमरून के उस बयान की चर्चा करेंगे जिसने इसराइल ईरान युद्ध पर 100% मोहर लगा दी है। दरअसल ईरान के पलटवार के बाद इसराइल के मित्र देशों के तमाम विदेश मंत्री, रक्षा मंत्री इसराइल के दौरे कर रहे हैं। ब्रिटेन और जर्मनी के विदेश मंत्रियों से इसराइल के विदेश मंत्री ने मुलाकात की है। इसराइल के रक्षा मंत्री योव गैलेंट ने इटली के रक्षा मंत्री से मुलाकात की है। इसराइल के अंदर ब्रिटेन के विदेश मंत्री डेविड कैमरान और इसराइल के राष्ट्रपति इसाक हगोर्स की मुलाकात हुई है और इस मुलाकात के बाद ब्रिटेन के विदेश मंत्री डेविड कैमरान ने साफ कर दिया है कि इसराइल ने ईरान पर पलटवार करने का फैसला कर लिया है। Situation is very concerning, but it's clear the Israelis are making a decision to act. We hope they do so in a way that does as little to escalate this as possible. इजराइल की राजधानी के अंदर और क्या चल रहा है, इसके बारे में आगे हम बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको ले चलते हैं तेहरान, जहां ऐसी रणनीति बन चुकी है कि यूक्रेन और गजा पट्टी से भी भीषण युद्ध अटल हो गया है। एक तरफ ब्रिटेन के विदेश मंत्री डेविड कैमरन यह ऐलान कर रहे हैं कि युद्ध अटल है, इसराइल हमला करेगा, और दूसरी तरफ ईरान के उप विदेश मंत्री अली बागेरी ने एक बयान जारी किया है और बिल्कुल साफ साफ कहा है कि इसराइल को यह समझ लेना चाहिए कि ईरान इस बार इसराइल के हमले का पलटवार करने के लिए 12 दिन का लंबा समय बिल्कुल भी नहीं लेगा। इसराइल का हमला होते ही फौरन ईरान के पलटवार की प्रतिक्रिया मिल जाएगी और इसराइल को दहला दिया जाएगा। इसराइल की राजधानी तेल अवीव में इसराइल के मंत्री अपने साथी गठबंधन देशों के प्रतिनिधियों के साथ युद्ध की शुरुआत से पहले जबरदस्त बैठकें कर रहे हैं और दूसरी तरफ ईरान की राजधानी सेना दिवस मना रही है। लेकिन इस बार सेना दिवस तेहरान की खुली सड़क पर नहीं मनाया गया, इस बार ईरान ने सीक्रेट तरीके से एक बैरक के अंदर अपना सेना दिवस मनाया है, जबकि पिछले साल ईरान की सेना ने आयातुल्ला रोहिल्ला खामेनेई के मकबरे पर सेना दिवस मनाया था। हालांकि ईरान ने इसका कोई कारण नहीं दिया है कि उसने गुप्त तरीके से सेना दिवस क्यों मनाया, लेकिन इसे इसराइल के पलटवार के खौफ से जोड़कर देखा जा रहा है। ईरान के सेना दिवस में बाकायदा ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी का एक बयान भी सामने आया और इस बयान में उन्होंने कहा कि अगर इसराइल ने हमला किया तो इस बार प्रतिक्रिया बहुत बड़े पैमाने पर होगी और बहुत कठोर होगी। अगर कूचकतरीन तारुजी अज नाहिये रजीम सहयोनिस्ती به خاک وطن ما صورت بگیرد و به منافع جمهوری اسلامی ایران یقین بدانند برخوردی بسیار شدید ایران کو پتا ہے کہ اسرائیل سمندر میں بھی کوئی بڑا ایکشن لے کر اسے چوکا سکتا ہے اسی لیے ایران نے اپنے یدھپوت کو لال ساگر کی طرف بھیج دیا ہے ایران کی نوسینا اپنے ویاپارک جہازوں کو باقاعدہ اسکارٹ کر رہی ہے ایران کا یدھپوت जमरान फ्रिगेट अदन की खाड़ी में मौजूद है। ईरान को इस बात का डर है कि कहीं इसराइल उसके किसी व्यापारिक जहाज पर कब्जा न कर ले। इसराइल के सामने ईरान का गठबंधन काफी कमजोर नजर आ रहा है। एक तरफ इसराइल की सरकार अपने देश की राजधानी के अंदर इटली के रक्षा मंत्री के साथ मीटिंग कर रही है, लेकिन दूसरी तरफ ईरान अभी भी अपने सहयोगियों के साथ मजबूत रिश्ते की तलाश में लगा हुआ है। इसराइल का पड़ोसी देश जॉर्डन खुलकर इसराइल के साथ खड़ा नजर आ रहा है। वेस्ट एशिया के बाकी इस्लामी देश असमंजस में नजर आ रहे हैं और वो इस युद्ध से दूर रहने की नीति पर अमल करते हुए दिख रहे हैं। ईरान और रूस के विदेश मंत्रियों ने आपस में फोन पर बातचीत जरूर की है, लेकिन फिर भी ये गठबंधन इसराइल के गठबंधन के सामने बेहद कमजोर नजर आता है, क्योंकि इसराइल के साथ अमेरिका न सिर्फ खुलकर खड़ा है बल्कि अमेरिका के जनरल और अमेरिका, फ्रांस और ब्रिटेन का पूरा साजो सामान इसराइल की सुरक्षा में तैनात है। ईरान और उसके सहयोगियों के लिए इस वक्त भी सबसे बड़ी मुसीबत इसराइल का सुरक्षा कवच बना हुआ है। लेबनान में ईरान के सहयोगी हिजबुल्ला के पास ईरान के द्वारा दी गई मिसाइल ही है और दक्षिण लेबनान में एक बार फिर इसराइल पर टेस्ट फायर किए गए। इसराइल पर 6 मिसाइलें दागी गईं, लेकिन इसराइल ने 6 की 6 मिसाइलें बेकार कर दी।
और उन्हें इसराइल की धरती पर गिरने से पहले ही मार दिया। दूसरी तरफ इसराइल बेखौफ होकर गजा पट्टी में लगातार कोहराम मचा रहा है। बीते 24 घंटे के अंदर इसराइल ने गजा पट्टी में 24 ठिकानों पर हमले किए और इनमें 56 लोगों को मार दिया है। इसराइल अब तक 33,899 फिलिस्तीनियों को गजा में मार चुका है और 76,664 फिलिस्तीनियों को घायल कर चुका है। दूसरी तरफ फिलिस्तीन हर साल की तरह इस साल भी 17 अप्रैल को कैदी दिवस मना रहा है। इस वक्त भी इसराइल की जेलों में 9,500 फिलिस्तीनी राजनीतिक कैदी मौजूद हैं। इनमें से 561 को उम्र कैद की सजा मिली हुई है। गाजा पट्टी में 7 अक्टूबर से 15 मार्च के बीच 349 ऐसे हमले हुए जो संयुक्त राष्ट्र से जुड़े संगठनों पर हुए हैं, जिसमें संयुक्त राष्ट्र का झंडा फहरा रहा था, और इन हमलों में भी 408 विस्थापित लोगों की मौत हुई।